हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम टॉप 5 अपकमिंग बाइकों के बारे में जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 2023 के अंदर लॉन्च होने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2023 में अपकमिंग बाइकों का वेट कर रहे हैं तो आप ये वीडियो पूरा देख लेना विदाउट स्किप किए हुए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में कौन कौन सी बाइक आने वाली हैं। ओके, विदाउट टाइम वेस्ट किए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। फर्स्ट बाइक रहती है बजाज और ट्रायम्फ की तरफ से, लाइक पार्टनरशिप में ये दोनों ही कंपनियां इस बाइक को लॉन्च कर रही हैं। बजाज ट्रायम्फ 250 सीसी की बाइक है। बाइक में आपको काफ़ी अच्छे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, साथ ही पावर अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही बाइक बहुत जल्द 2023 में ही लॉन्च करने वाली है ये कोलैबोरेशन में इस बाइक को। इसमें आपको 250 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। बाइक में 22-24 बीएचपी के आसपास पावर देखने को मिलेगी। बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन होगा। 140-145 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड होगी। बाइक में ब्रेक में आपको ड्यूल चैनल एवीएस देखने को मिल जाएगा। बाइक में काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे मल्टीपर्पज़ वाले अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट में आपको 110/90 mm का आपको टायर देखने को मिलेगा। रियर में 140/70 का। बाइक में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे। रियर पार्ट में मोनोशॉक ऑब्जर्वर रियर पार्ट में, जो कि काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है। एंड बाइक में आपको ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा। रेट्रो सेगमेंट की बाइक है तो बाइक के फ्रंट में आपको राउंड शेप में एलईडी हेडलाइट देखने को मिलेगी। टेल लाइट भी आपको एलईडी देखने को मिलेगी। बाइक के इंडिकेटर फ्रंट एंड रियर दोनों ही आपको एलईडी देखने को मिलेंगे राउंड शेप में, जो कि काफ़ी अच्छी साफ फिनिशिंग के साथ लाइक आपको ऑफर की जाएंगे। बाइक में डायमेंशंस भी काफ़ी अच्छा है। 150-170 केजी के अराउंड आपको कर्व वेट देखने को मिलेगा। 180-190 के अराउंड आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही बाइक में आपको सीट हाइट 810 mm की देखने को मिलेगी। इसमें आपको 12-15 लीटर के आसपास आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आपको ऑल मेटल देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली बाइक के अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगी। साथ ही बाइक में आपको 30-35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिलेगा सिटी टू हाईवे राइडिंग में दोनों में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये बाइक 2023 में नवंबर या फिर अक्टूबर के मंथ में लॉन्च हो जाएगी लाइक बजाज और ट्रायम्फ की तरफ से। इस बाइक के एक्सशोरूम प्राइस 2,40,000 या फिर 2,50,000 एक्सशोरूम देखने को मिलेंगे। इंश्योरेंस विद आरटीयू चार्ज लगाकर ये बाइक ऑन रोड आपको 2,70,000 के आसपास या फिर 2,80,000 के आसपास पड़ने वाली है। इसका आप वेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि आती है होंडा की तरफ से, होंडा CB125R। ये एक नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की स्ट्रीट फाइटर बाइक है। इस बाइक के अंदर आपको कंपोनेंट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं और ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसकी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में भी काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी है, लेकिन होंडा अब इस बाइक को बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च करने वाला है। बाइक में आपको 124 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, 4-valve DOHC सिंगल सिलेंडर, 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन है। बाइक में आपको काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिलेगी। ड्यूल चैनल एवीएस है, अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं। बाइक के अंदर आपको रियर पार्ट में लाइक एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। ये बाइक डायमंड स्टील फ्रेम पर देखने को मिलेगी। बाइक में आपको काफ़ी अच्छे लाइक प्रीमियम फीचर के साथ साथ ही डायमेंशंस भी काफ़ी अच्छे ऑफर की जाएंगे। 800 आपको 16 mm की सीट हाइट देखने को मिलेगी। 140 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। 10.1 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, 130 kg का कर्व वेट। साथ ही बाइक के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर देखने को मिलेंगे। ऑल LED लाइट्स का सेटअप है। बाइक के अंदर ड्यूल चैनल ABS है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बाइक काफ़ी अच्छी है। साथ ही कलर्ड अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। गोल्डन फिनिशिंग के साथ आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही बाइक के अंदर दोनों ही जो है काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। ये बाइक बड़े आराम से आपको 45-50 kmpl का माइलेज प्रोवाइड करा देगी। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में होंडा इस बाइक को बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है और डेफिनेटली ये बाइक लॉन्च होते ही एक न्यू ही अलग ही प्लेटफॉर्म सेट कर लेगी मार्केट में, बिकॉज इस टाइप की बाइकों का इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और साथ ही इसमें आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी यूनिक है। साथ ही बाइक के अंदर इंडिकेटर भी काफ़ी साफ फिनिशिंग के साथ आपको LED ऑफर की जाएंगे। इस बाइक का भी आप वेट कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि रहती है यामा की तरफ से MT-03। MT-03 को यामा के लाइक डीलरशिप के थ्रू इंडियन टू व्हीलर मार्केट में शोकेश कर दिया गया है। ये बाइक बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है दोस्तों। MT-03 एक सुपर नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है, स्ट्रीट फाइटर बाइक है और ये 300 cc के इंजन के साथ आती है। यामा की तरफ से नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की MT-15 V2 ही है, जो कि 155 cc के इंजन के साथ आती है। इसी वजह से यामा जो है लाइक सुपर नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक को लॉन्च कर रहा है बहुत जल्दी। इस बाइक के एक्सशोरूम प्राइस लगभग आपको 3,30,000 के आसपास देखने को मिलेंगे। बाइक में काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिलेगी। 221 cc का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल 4-स्टॉक DOHC 4-valve इंजन प्रोवाइड कराया जाएगा 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ। बाइक के फ्रंट में आपको 37 mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिलेंगे।
रियर पार्ट में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी, फुल्ली डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर आपको देखने को मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे एंड इसमें आपको ड्यूअल चैनल एबीएस का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा विद टीसीएस के साथ, लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। बड़े आराम से बाइक आपको 22-25 किलोमीटर पर लीटर का अप्रॉक्स माइलेज प्रोवाइड करा देगी। इसमें आपको काफ़ी अच्छी न्यू प्रीमियम कलर स्कीम भी देखने को मिलेंगी, लाइक आइस फ्लू वर्मिलियन, आइकन ब्लू एंड मिडनाइट ब्लैक। ओके, इस बाइक का भी आप वेट कर सकते हैं अगर आपको 300cc की या 350cc की नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइकों का वेट कर रहे हैं तो आप MT-03 का वेट कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि रहती है हीरो एक्स हार्ले डेविडसन। ये दोनों ही लाइक हीरो प्लस हार्ले डेविडसन दोनों ही कंपनी पार्टनरशिप में हीरो एक्स हार्ले डेविडसन को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि ये एक बाइक रोडेस्टर टाइप की रहने वाली है। इंडिया में इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, साथ ही एक रेट्रो सेगमेंट की बाइक है। बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं, ओवरऑल बाइक आप लुक्स देख सकते हैं ऐसा सेम लुक देखने को मिलेगा। ये पिक्चर्स कुछ लीक हो चुकी हैं इस बाइक की। ये बाइक हीरो प्लस हार्ले की तरफ से लॉन्च हो रही है तो डेफिनेटली बाइक एक फीचर लोडेड मशीन रहने वाली है। बाइक देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही है रेडी टू लॉन्च, जैसे कि आप ऑफिशियल फोटोज और वीडियोज के अंदर देख पा रहे हैं। काफ़ी सारे फीचर जो है रिवील हो चुके हैं। बाइक की हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। स्टेप बाई स्टेप बात करें तो बाइक में आपको ऑल रेट्रो टाइप का कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। इंजन में बाइक आपको 420cc की देखने को मिलेगी, ऑयल कूल्ड इंजन, 35-40 FPS के आसपास पावर देखने को मिलेगी, 35 Nm के आसपास टॉर्क देखने को मिलेगा, असिस्टेंस स्लीपर क्लच ऑफर की जाएगी, ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको राउंड शेप की LED हेडलाइट देखने को मिलेंगी। साथ ही आपको LED DRL भी दी जाएगी फ्रंट हेडलाइट में राउंड शेप में, जो कि आप देख पा रहे होंगे फोटो के अंदर। बाइक में काफ़ी अच्छी सिंगल पीस कंफर्टेबल लाइक सीट देखने को मिलेगी। राइडिंग मोड्स हैं बाइक के अंदर, रेन मोड, स्पोर्ट मोड, अर्बन मोड, साथ ही फ्रेम आपको ट्यूबुलर देखने को मिलेगा। बाइक के फ्रंट में आपको राउंड शेप में फुल्ली TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर देखने को मिलेंगे, साथ ही स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले सारे कनेक्टेड फीचर ऑफर किए जाएंगे। बाइक के फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा, जो कि 18 इंच के फ्रंट व्हील के साथ आएगा एंड बाइक के रियर पार्ट में 140x70 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा, जो कि 17 इंच के लाइक व्हील के साथ आएगा, अलॉय व्हील के साथ। बाइक में आपको ड्यूअल डिस्क देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 3 पिस्टन कैलिपर के साथ देखने को मिलेंगे एंड बाइक के रियर पार्ट में सिंगल पिस्टन कैलिपर देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं, 3 शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन बाइक के आपको रियर पार्ट में देखने को मिलेंगे और इसमें आपको लाइक डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा लाइक अट्रैक्टिव है, बाइक के लुक को इन्हेंस कर रहे हैं। तो आप इस बाइक का वेट कर सकते हैं। हीरो एक्स हार्ले डेविडसन नाम होगा इस बाइक का और इसमें आपको 420cc का इंजन देखने को मिलेगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि रहती है दोस्तों होंडा की तरफ से CBR 150R। 150cc की होंडा की CBR 150R इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, पॉपुलर है और ये बाइक की लाइक पॉपुलैरिटी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से लाइक होंडा लवर होंडा की CBR 150R का वेट भी कर रहे हैं। इस बाइक की शोरूम प्राइस आपको 1,55,000 के आसपास देखने को मिलेंगे। अगर 150cc की होंडा इस बाइक को लॉन्च करता है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में तो डेफिनेटली ये बाइक सुजुकी जिक्सर SF150 को साथ ही यामा केयर 5B4 इन बाइक्स को कम्पीट करेगी। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं, प्रीमियम कंपोनेंट के साथ प्रीमियम डिज़ाइन दी गई है। बाइक में 149.4cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन है, बाइक के अंदर असिस्टेंस स्लीपर क्लच भी ऑफर की गई है। बाइक के फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे एंड बाइक में दोस्तों काफ़ी अच्छे डायमेंशंस ऑफर किए जाएंगे। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 782mm की आपको सीट हाइट देखने को मिलेगी, 160mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, साथ ही बाइक में 139kg का कवर वेट, ऑल LED लाइट्स का सेटअप दिया जाएगा एंड इसमें आपको BS6 फेज 2 कंप्लायंट इंजन दिया जाएगा विद OBD2 सेंसर के साथ, ड्यूअल चैनल ABS है, साथ ही आपको काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। बड़े आराम से बाइक आपको 40-45 KMPL का माइलेज प्रोवाइड करा देगी। दोस्तों बाइक में आपको काफ़ी अच्छा लाइक फुल्ली फेड स्पोर्ट सेगमेंट का लुक देखने को मिलेगा। एरोडायनेमिक्स बाइक के काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से बाइक के अंदर काफ़ी कम बर्न ब्लास्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों होंडा की CBR 150R का भी आप वेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एक फुल्ली फेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है। बाकी ये 5 बाइक्स थी जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 2023 के अंदर लॉन्च होने वाली हैं, इनका आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो कैसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।